नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल टीवी में। आज हम आपके सामने आज की बड़ी खबर के साथ, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल टीवी को, ताकि दिन की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। अध्यापक पात्रता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन शुरू। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 8 विषयों के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। पात्र अभ्यर्थी JVT, TGT, LT, शास्त्री, पंजाबी व उर्दू विषयों की अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि टेट परीक्षा के लिए प्रोस्पेक्ट्स बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। इस दौरान सामान्य वर्ग और इसकी सभी श्रेणियों से 800 रुपए व आरक्षित वर्ग से 500 रुपए की फीस वसूली जाएगी। उन्होंने बताया कि 13 नवंबर से अध्यापक पात्रता परीक्षा शुरू होगी। 13 नवंबर को JVT व शास्त्री विषय की परीक्षा होगी। JVT परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक तथा शास्त्री परीक्षा का समय 2 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होगी। वहीं TGT नॉन मेडिकल व LT विषय की परीक्षा 14 नवंबर को होगी, जबकि TGT नॉन मेडिकल की परीक्षा सुबह 10 से 12:30 बजे तक तथा LT विषय की परीक्षा दूसरे स्तर में होगी। TGT कला व TGT मेडिकल के लिए अध्यापक पात्रता परीक्षा 21 नवंबर को होगी। वहीं TGT कला का समय 10 बजे से 12:30 बजे तक, जबकि TGT मेडिकल का समय 2 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। इसके अलावा पंजाबी व उर्दू विषय की परीक्षा 28 नवंबर को होगी, जबकि पंजाबी विषय की परीक्षा सुबह और दूसरे स्तर में उर्दू विषय की अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोध करने वाले शोधार्थियों को अब अपने शोध पत्र प्रकाशित करने और प्रिंट करने के लिए परेशानी नहीं होगी। इसके लिए CU प्रकाशन शीघ्र ही अपनी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करेगा। यह बात CU के कुलपति प्रोफेसर SP बंसल ने CU देहरा परिषद में पंडित दीन दयाल उपाध्याय केंद्र की ओर से विचार दर्शन वार्ता के दौरान कही। कुलपति प्रोफेसर सतपाल बंसल ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय विचार दर्शन में उनके बारे में जानने का अवसर मिल रहा है। दीनदयाल उपाध्याय के विचार के अनुसार ही शिक्षकों को काम करना चाहिए। पूर्व मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हुए अखिल भारतीय इतिहास योजना के राष्ट्र संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे ने दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के बारे में विचार रखे। डॉक्टर अरुण कुमार की लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस मौके पर दीनदयाल उपाध्याय पीठ अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार, जम्मू कश्मीर अध्यक्ष केंद्र के डॉक्टर जय प्रकाश सिंह समेत कई अन्य शख्स मौजूद रहे।